8वीं के पहले अध्याय का फसल उत्पादन एवं प्रबंध जो है उसके नोट्स मैंने तैयार किए हैं। फसल जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उन्हें फसल कहते हैं। ये है जो आपको बहुत ही सहायता करेगा परीक्षा में और यही इनमें से काफी प्रश्न आ सकते हैं। और फसलों के वर्ग कौन कौन से हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। खरीफ फसल, रबी फसल, खरीफ फसल किसे कहते हैं, रबी फसल किसे कहते हैं, उदाहरण धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें कहलाती हैं। कृषि पद्धतियां बाद में आ जाएगी। प्रथम कृषि पद्धति है मिट्टी तैयार करना, बाद में जुताई, मिट्टी को उतने पत्ते ओला करने की प्रक्रिया, जुताई कहते हैं, लाभदायक है क्योंकि यह जड़ों को मिट्टी में अधिक गहराई तक प्रवेश करने, उन्हें सांस लेने लेने व खरपतवार हटाने में सहायक है। मिट्टी को उतने पत्ते में उनमें उपस्थित पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं जिनका उपयोग भाजप करते हैं। का गठन सुधर जाता है, बाद में खाद एवं उर्वरक का में अंतर आ जाएगा। खाद एवं उर्वरक अंतर खाद खेतों में बनाई जा सकती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सभी आपको याद कर लेना है।